फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और हर बार की तरह मैंने आपके कमेंट्स में से ही एक कमेंट को पिक किया है। तो मुझसे पूछा गया है कि बच्चेदानी को शरीर से ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया गया है लेकिन उसके बाद भी वाइट डिस्चार्ज आना बंद नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वाइट डिस्चार्ज किससे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। जो बच्चेदानी का मुँह होता है यानी कि सर्विक्स, वहाँ से निकलता है और जो आपका वजाइना होता है उसमें कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो वाइट डिस्चार्ज को सिक्रीट करती हैं। तो अगर बच्चेदानी यानी कि यूट्रस का ऑपरेशन करके उसको शरीर से बाहर निकाल दिया गया है, इट डजंट मीन्स कि आपको वाइट डिस्चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि वजाइना तो है आपका, है ना? तो वजाइना वाला पार्ट है आपका, तो यानी कि आपको वाइट डिस्चार्ज वहाँ से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप यूट्रस को शरीर से बाहर निकलवा देते हैं तो वाइट डिस्चार्ज आना बंद हो जाएगा। यूट्रस के शरीर से बाहर निकलने पर आपको पीरियड्स नहीं आएंगे लेकिन वाइट डिस्चार्ज बनेगा, ठीक है? और ये कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कोई है। तो एक बहुत आम बात थी लेकिन भई है आप लोगों को नहीं पता, तो मैंने सोचा इसका आंसर दिया जाए, कोई घबराने वाली बात नहीं है इस केस में, ठीक है? तो बस यही था आज का वीडियो। एंड यस, एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।